हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं कस्टम्स लॉ की, ठीक है। सीएस एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल दोनों के लिए हम ये चीज़ों का प्रिपरेशन कर रहे हैं, और लास्ट लेक्चर में हमने वेयरहाउसिंग वाले प्रोविजंस को कंप्लीट किया था। अब आज के टॉपिक में हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ रिगार्डिंग ड्यूटी ड्रॉबैक। अब ये ड्यूटी ड्रॉबैक है क्या? ये ड्रॉबैक कुछ नया टर्म है आपके लिए। अगर मैं इसको सिंपल टर्म्स में बताऊँ व्हाट इज़ ड्रॉबैक, तो एक्चुअली इट इज़ रिफंड। सिंपल, आप ड्रॉबैक का मीनिंग नोट करके रख लीजिए। ड्रॉबैक का सिंपल मतलब है रिफंड, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे रिफंड की बात क्यों हो रही है, कौन सी ड्यूटी आपने पे की है जो आपको रिफंड की जा रही है, तो लेट अस टॉक फॉर दैट। यहाँ पे बोला हुआ है इंट्रोडक्शन में, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, तो मैंने आपको बोला था कि सरकार का मेन फोकस जो है वो एक्सपोर्ट पे होता है, कि हमें एक्सपोर्ट ज़्यादा करना है, इम्पोर्ट को कट डाउन करना है, जिससे हमारे फॉरेन रिजर्व्स डेवलप हो सके और हम दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर अपने गुड्स और सर्विसेज के लिए कम से कम डिपेंडेंसी मेंटेन करें। ये पॉइंट पे बात हो रही थी। अब जब एक्सपोर्ट हो रहा है तो सरकार उसके ऊपर जो ड्यूटी लगा रही है वो एकदम मिनिमम या ना के बराबर है, ज़ीरो है ऑलमोस्ट। तो सरकार ये बोल रही है कि आप गुड्स का एक्सपोर्ट करो, बहुत अच्छी बात है, आप सर्विसेज का एक्सपोर्ट करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप टैक्सेस का एक्सपोर्ट मत करो। इन अ वे कि जब कोई गुड्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं, सर्विसेज एक्सपोर्ट हो रही है, तो टैक्सेस एक्सपोर्ट नहीं होने चाहिए। सामने जो बायर है आउट ऑफ कंट्री, उसके ऊपर टैक्स का बर्डन हम पास ऑन ना करें, ये हमारी इकोनॉमी के लिए ज़्यादा फेवरेबल है। तो सरकार का स्लोगन ये है यहाँ पे कि एक्सपोर्ट द गुड्स एंड सर्विसेज बट डू नॉट एक्सपोर्ट टैक्सेस, डन। तो ये पॉइंट पे यहाँ पे बात हो रही है। अब ये जो ड्रॉबैक है उसका कंसेप्ट क्या है, उसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। दो सिचुएशंस हैं, एक है आपका सेक्शन 74, दूसरा है सेक्शन 75। देखो, दोनों ही लेवल पे आप फाइनल के लिए पढ़ रहे हो या एग्जीक्यूटिव के लिए, सेक्शन की थियरी बहुत ही बेसिक और सिंपल है, कोई भी रीड करके समझ सकता है अगर उसको कंसेप्ट पता है तो उस पर हमारा फोकस यहाँ पे कम है। उसके साथ साथ दोनों सेक्शन में जो रूल्स दे रखे हैं, 74 में कुछ रूल्स हैं, 75 में भी साथ में रूल्स हैं, तो रूल्स पे ज़्यादा फोकस रहेगा क्योंकि वो इन डिटेल है, स्पेसिफिक है, लेकिन सेक्शन की लैंग्वेज बड़ी सिंपल है। तो मैं आपको ये सेक्शन कंसेप्ट वाइज अगेन ज़्यादा समझा रहा हूँ और वर्ड टू वर्ड उसकी लैंग्वेज पे कम जा रहा हूँ, वो आप पढ़ेंगे तो साथ में रिलेट हो जाएगी। मैं आपको नोट करवा दूंगा उसमें क्या क्या है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। पहले हम ये समझते हैं कि सेक्शन बोल क्या रहा है। अब जो ड्रॉबैक की बात हम कर रहे हैं, या उसको हम रिफंड बोल सकते हैं, हम रिफंड की बात कर रहे हैं, तो सेक्शन 74 में रिफंड कैसे मिलता है, क्यों मिलता है, वो आप समझो। कंसेप्ट यहाँ पे ये है कि पहले आपने कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट को नाम दे देते हैं इसको प्रोडक्ट एक्स, ठीक है। तो आपने प्रोडक्ट एक्स को इंपोर्ट किया, अब इंपोर्ट किया तो उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी आपने पे की होगी, इस पे जो ड्यूटी आपकी लग गई वो तो कॉस्ट हो गई। अच्छा, इंपोर्ट करने के बाद इन फ्यूचर वो गुड्स को वापस से आपने री एक्सपोर्ट किया, आप बेसिकली यहाँ पे सेक्शन 74 में ट्रेडर हो, ये आपको ध्यान रखना है, यू आर अ ट्रेडर, आप मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व नहीं हो। तो एक तरफ से आप गुड्स परचेज करते हो, दूसरी तरफ आप सेल ऑफ कर देते हो, जो मार्केट से आपको बायर मिल जाए। तो आपको आउट ऑफ इंडिया से कोई बायर मिला और आपने वो गुड्स को री एक्सपोर्ट कर दिया, कुछ प्रॉफिट एड ऑन करके और ट्रेडिंग कर ली। अब प्रॉब्लम ये है कि जब इम्पोर्ट किया था तो उस पर ड्यूटी लगी थी, विच इज़ एट प्रेजेंट योर कॉस्ट, और अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो फिर आप अपनी कॉस्ट में ड्यूटी का जो एलिमेंट है, इम्पोर्ट ड्यूटी का जो एलिमेंट है, उसको भी कंसिडर करके ही एक्सपोर्ट प्राइस डिटरमाइन करोगे, ठीक है। अब सपोज़ आपने जो प्रोडक्ट इम्पोर्ट किया था उसका यूनिट प्राइस 100 रुपीज़ था और उस पर आपने 20 रुपीज़ की ड्यूटी पे की थी, तो आपका कॉस्ट तो 120 पे चल रहा है ना। अब ये जो 20 रुपीज़ है, ये तो भारत सरकार ने आपसे चार्ज किया इम्पोर्ट ड्यूटी के नाम पे। अब वही 120 वाला गुड जब आगे आप एक्सपोर्ट करोगे तो एक्सपोर्ट प्राइसिंग करते टाइम या प्रॉफिट ऐड करते टाइम आप इसको बेस बनाओगे एज अ कॉस्ट, अगर इम्पोर्ट ड्यूटी आपको देनी ही है तो, और फिर एक्सपोर्ट करोगे तो प्रोडक्ट कंपेरेटिवली कॉस्टली हो जाएगा। अगर यही 20 रुपये ड्यूटी नहीं लगती तो आपका कॉस्ट 100 रुपीज़ होता और आपका एक्सपोर्ट प्राइस और कम होता। ये तो बेसिक इकोनॉमिक्स से आप समझते हैं। अच्छा, हम जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वी आर कॉम्पीटिंग विद ऑल दी अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हु आर ऑल्सो डूइंग सिमिलर बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल चाइना। जैसे अपने लिए तो चाइना सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, मतलब हम उनके लेवल तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तो सिचुएशन वैसी है। तो यहाँ पर हमें अपने एक्सपोर्ट प्राइजेस को उस रेंज में रखना है कि चाइनीज़ मार्केट के साथ हमारा ट्रेडर कॉम्पीट कर सके और एक सही प्राइस पे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सके ताकि उसको बाहर से ऑर्डर्स मिले। यहाँ पे सरकार ने ये बोला कि चलो एक काम करते हैं, आप एक्सपोर्ट्स पे फोकस करो, उसकी वजह से हमें जो फॉरेन रिजर्व्स मिलेंगे
हम भी उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और हम नहीं चाहते कि टैक्सेस एक्सपोर्ट हो, मतलब हमने जो आप पे टैक्स लगाए इम्पोर्ट पे और कॉस्ट बढ़ा दी उस वजह से एक्सपोर्ट प्रोडक्ट महंगा हो जाए और बाहर से डिमांड ना आए, ये हमें नहीं करना है, इसमें हमारा भी नुकसान है। तो ये जो 20 रुपीज़, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ये जो 20 रुपीज़ है जो ड्यूटी के नाम पे गवर्नमेंट ने आपसे चार्ज किया, वो बोलते हैं कि आप एक्सपोर्ट करो, हम आपको ये 20 रुपीज़ वापस कर देंगे, रिफंड कर देंगे, ये आपकी कॉस्ट का पार्ट नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? तो इससे इंपोर्टर के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि जो गुड्स इंडिया में कंज्यूम ही नहीं हुए, आए और वापस चले गए बाहर, उसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट ड्यूटी क्यों चार्ज कर रही है? वो होनी भी नहीं चाहिए ना आइडियली। इसलिए यहाँ पे आपको ये ड्यूटी का रिफंड मिल जाएगा और इस रिफंड का नाम रखा गया है ड्यूटी ड्रॉबैक। आया समझ में? तो 74 सेक्शन में जो ड्रॉबैक आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, उसका सिंपल रीज़न ये है कि आप एक ट्रेडर हो, जो गुड्स आपने इंपोर्ट किए और उसके ऊपर आपने इंपोर्ट ड्यूटी पे की, वो गुड्स इन फ्यूचर री एक्सपोर्ट हो गए, बाहर चले गए, तो उसके ऊपर ये जो इंपोर्ट ड्यूटी चुकाई थी एक्चुअली में वो पे नहीं करनी चाहिए थी, तो पे की है आपने तो कोई बात नहीं, उसको वो रिफंड कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, तो वो आपकी कॉस्ट का पार्ट नहीं रहेगा। आ रहा है कंसेप्ट समझ में? तो इस रीज़न से सेक्शन 74 को इस तरीके से उन्होंने इम्पोज किया हुआ है। आई होप यहाँ तक क्लैरिटी आपको आ गई होगी। अब 74 के साथ साथ उसका एक रूल है जिसमें ड्रॉबैक के अमाउंट की बात की है, कौन सी सिचुएशन में कितना ड्रॉबैक मिलता है, तो उस पर भी बात करेंगे। और उससे पहले मैं आपको सेक्शन 75 का रेफरेंस दे देता हूँ कि 75 में नया क्या है। अब अगर हम सेक्शन 75 की बात कर रहे हैं तो आप उसको 74 से कंपेयर करते करते ध्यान रखना। 75 में जो स्टोरी है, जो सिचुएशन है, वहाँ पे आप अपने आप को एक मैन्युफैक्चरर की तरह कंसिडर करोगे तो जल्दी चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पे आपने क्या किया, एक कंपोनेंट इंपोर्ट किया, कंपोनेंट ए नाम रख देते हैं। कंपोनेंट मतलब रॉ मटेरियल, जो आपके लिए रॉ मटेरियल है, आपने उसको इंपोर्ट किया, ठीक है, इंपोर्ट किया, तो उसके ऊपर जैसे बाकी लोग ड्यूटी भरते हैं, आपने ड्यूटी पे करके उसको क्लियर करवाया, फिर वो कंपोनेंट को आपने मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया इंडिया में और एक फिनिश प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, दैट फिनिश प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट बी, क्लियर। अब ये फिनिश प्रोडक्ट बी जब आप सेल करने गए तो आपको डिमांड आउट ऑफ इंडिया से आई और आपने इसको एक्सपोर्ट कर दिया, क्लियर। अब एक्सपोर्ट किया तो अगेन एक्सपोर्ट पे तो ड्यूटी है नहीं, लेकिन फिर आपका कंसर्न ये है कि भाई मैंने ये फिनिश प्रोडक्ट बी जो एक्सपोर्ट किया है, उस फिनिश प्रोडक्ट बी में कंपोनेंट ए भी तो यूज़ हुआ और कंपोनेंट ए इंपोर्टेड प्रोडक्ट है, तो उस पे जो मैंने ड्यूटी भरी है, आइडियली तो ड्यूटी लगनी नहीं चाहिए क्योंकि मैंने फिनिश गुड्स तो एक्सपोर्ट कर दिया। तो अब एज अ मैन्युफैक्चरर मैं सरकार से ये जो इम्पोर्ट ड्यूटी है इसका रिफंड मांग रहा हूँ, क्लियर। तो ये ड्यूटी का रिफंड जो सरकार मुझे देगी वो कौन से सेक्शन में मिलेगा, सेक्शन 75 में, एंड दैट रिफंड इज कॉल्ड ड्रॉबैक। अगेन वर्ड तो वही है, दैट इज ड्यूटी ड्रॉबैक। तो 74 और 75 में जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है वो ये है कि 74 में एज ए ट्रेडर जो गुड्स आए वही गुड्स मैंने सीधा सीधा वापस फॉरवर्ड कर दिए और उसमें कोई चेंजेस या मैन्युफैक्चरिंग नहीं किए। 75 में मैंने जो भी कंपोनेंट इंपोर्ट किया था उसको पहले मैन्युफैक्चरिंग में मैंने यूज़ किया, फिर फिनिश प्रोडक्ट में उसको कन्वर्ट किया, एंड देन वो फिनिश प्रोडक्ट मैंने एक्सपोर्ट किया। तो इन अ वे जो इम्पोर्ट हुआ था वो तो बाहर जा ही रहा है, चाहे मैं सेक्शन 74 बोलूँ या 75, उस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्लियर ये पॉइंट। तो ये 75 में भी ड्रॉबैक की जो सिचुएशन थी ये मैंने आपके सामने क्लियर कर दी। अब सेक्शन 75 में जो रूल्स दे रखे हैं साथ में, वो रूल्स अमेंड हुए हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है। अमेंड हुए हैं लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें पुरानी हैं, बहुत ऐसा मेजर चेंज नहीं है, लेकिन नए रूल्स के नाम के उसको मतलब इशू कर दिया है क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐड ऑन की है, तो जो था वो ऑलमोस्ट वही का वही है। अब यहाँ पे जो ड्रॉबैक के रूल्स है, सेक्शन 74 एंड 75 दोनों में पुराने रूल्स 1995 के चल रहे थे, अभी 74 वाले में अभी भी 95 के रूल्स हैं, लेकिन सेक्शन 75 में जो रूल्स आ गए वो 2017 के नए रूल्स हैं, ऐसा बोल रहे हैं, 1 अक्टूबर 2017 से अप्लाई हुए। तो हम वो सारी चीज़ें आगे जैसे जैसे आएंगी वैसे डिस्कस करते जाएंगे, क्लियर। चलिए तो यहाँ तक आपका ये जो कंसेप्ट है वो कंप्लीट हो गया, दोनों सेक्शंस हमने देख लिए। अब अगर आप इसकी थियोरी रिफ़र करेंगे ना, ये सब सेक्शन 74 में जैसे बोला है, तो थियोरी में आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी जो भी मैंने बताई है। हम डायरेक्टली रूल्स की तरफ आगे बढ़ते हैं कि रूल्स में क्या बोला हुआ है।
चलिए तो अपने आगे कंटिन्यू कर रहे हैं जो रूल्स की बात कर रहा था मैं, सेक्शन 74 में जो साथ साथ में रूल्स दे रखे हैं वो 1995 के रूल्स हैं आपके, ठीक है। अब इसमें ड्रॉबैक कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, डायरेक्टली उसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले बोला हुआ है कि अगर आपने कोई भी गुड्स को इम्पोर्ट किया देन आप उसको एक्सपोर्ट कर देते हो विदाउट यूज़। विदाउट यूज़ का मतलब है दैट यू आर ट्रेडर ना, जो भी आपने गुड्स खरीदे हैं ब्रांड न्यू कंडीशन में है, कोई यूज़ करने के लिए इम्पोर्ट नहीं किए थे, खरीदे एंड देन उसको वापस सेल ऑफ कर दिया ब्रांड न्यू कंडीशन में विदाउट यूज़, तो जो ड्रॉबैक मिलेगा दैट विल बी एट द रेट ऑफ 98% ऑफ द इम्पोर्ट ड्यूटी पेड। मतलब जितनी आपने ड्यूटी भरी थी उसका 98% पैसा आपको फ्लैट वो रिफंड कर देंगे। आप बोलेंगे सर 2% पैसा कहाँ चला गया। अब यहाँ पे एक बेसिक आर्ग्यूमेंट अथॉरिटीज़ की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से ये दिया गया है कि आपका कंसाइनमेंट जब पोर्ट पे आता है उसको क्लियर किया जाता है तो प्रोसेसिंग में सरकार का भी मैन पावर, टेक्नोलॉजी, टाइम, ये सब चीज़ें लग रही है और उसके बाद वो पूरी ड्यूटी आपको वापस कर रहे हैं। तो चलो उनको कुछ कमाना नहीं है, वो तो उन्होंने खुद ही बोला है, बट एटलीस्ट कॉस्ट तो निकल जाए, प्रोसेसिंग का खर्चा तो निकल जाए, स्टाफ सैलरी ये वो ऑफिसर्स की जो भी सैलरी हो रही है वो सब निकल जाना चाहिए, पोर्ट के एक्सपेंसेस निकल जाने चाहिए। तो उसके लिए एक नॉमिनल अमाउंट वो अपने पास रखेंगे एंड दैट इज़ 2%। तो 2% कोई बहुत बड़ा अमाउंट भी नहीं है, परसेंटेज वाइज इट इज़ ओके। एब्सोल्यूट अमाउंट अगर बहुत आपने इम्पोर्ट ड्यूटी ज़्यादा पे की थी तो आपको लग सकता है कि यार 2% में भी काफ़ी अमाउंट चला गया, बट उन्होंने उतना रिजर्वेशन अपने लिए रखा है तो दैट इज़ ओके। नेक्स्ट, अब सेकेंड कैटेगरी में वो गुड्स जो आपने इम्पोर्ट किए उसको यूज़ किया नॉट फॉर प्राइवेट पर्पस, बिजनेस यूज़ हो सकता है, एंड देन वो गुड्स को आपने री एक्सपोर्ट कर दिया आफ्टर यूज़, तो अब ये सेकेंड हैंड कंडीशन में वो गुड्स बेचे जा रहे हैं। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में ऐसा बोला है, पहली चीज़ तो ये कि 1965 से एक नोटिफिकेशन है जो अभी तक चल रहा है। अब यहाँ पे ये बोला कि जितने ड्यूरेशन के लिए आप गुड्स को यूज़ करोगे उस पर डिपेंड करेगा कि ड्रॉबैक कितना मिलेगा। सिंपल है, डेप्रिसिएशन वाला कंसेप्ट है, जितना ज़्यादा यूज़ करोगे उतनी ड्यूटी वसूल होती जाएगी तो ड्रॉबैक कम होता जाएगा, सिंपल है। तो भाई 3 मंथ्स तक अगर आपने यूज़ किया, 0 to 3 months इंक्लूडिंग 3 मंथ्स, तो 95% ड्रॉबैक आपको मिल जाएगा, 0 को इंक्लूड नहीं कर सकते नहीं तो फिर 98 हो जाता। तो 3 मंथ्स तक अगर आपने यूज़ करके प्रोडक्ट को री एक्सपोर्ट कर दिया तो 95% ड्रॉबैक, 3 मंथ्स से ज़्यादा यूज़ किया और 6 मंथ्स तक यूज़ किया तो 85% ड्रॉबैक। एग्जैक्ट 6 मंथ्स यहाँ कवर होगा, ध्यान रखना, एग्जैक्ट 3 मंथ्स यहाँ कवर होगा, एग्जैक्ट 9 मंथ्स यहाँ कवर होगा। तो 6 to 9 में 75, फिर 70, फिर 65, फिर 60, तो 18 मंथ्स से अबव चला गया ना तो फिर ड्रॉबैक नहीं देंगे। तो इन शॉर्ट 18 मंथ्स के अंदर अंदर री एक्सपोर्ट करना ज़रूरी है अगर ड्रॉबैक चाहिए तो, क्लियर। थर्ड कैटेगरी पे चलते हैं, यहाँ पे बात हो रही है उन गुड्स की जो पर्सनल यूज़ के लिए मंगवाए गए या प्राइवेट यूज़ के लिए मंगवाए गए, और इसमें 2 कैटेगरी में इसको भी हम बांट देते हैं, एक तो मोटर कार है और एक अदर गुड्स है, ऐसे आप इसको बांट दो, समझना ज़्यादा ईजी रहेगा आपके लिए। मोटर कार के केस में ऐसा बोला है कि अप टू 4 ईयर्स अगर आप कभी भी इन फ्यूचर एक मतलब आपने गाड़ी इंपोर्ट की उसको आपने चलाया यूज़ किया एंड देन आपने री एक्सपोर्ट कर दिया विद इन 4 ईयर्स तो आपको ड्रॉबैक मिलेगा। 4 ईयर्स से ज़्यादा हो गए तो ड्रॉबैक मिलने का कोई स्कोप नहीं है। दूसरा, अगर और कोई गुड्स हैं अदर देन कार तो उसमें भी 4 ईयर्स तक आपको ड्रॉबैक मिल सकता है, बट नॉर्मल ड्यूरेशन वैसे उसमें सिर्फ 2 ईयर्स है। फिर बोला और 3rd और 4th ईयर में आपको अगर एक्सपोर्ट करके ड्रॉबैक चाहिए, मतलब 2+2, तो ये 2 ईयर्स के लिए CBIC से मतलब बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ेगी और वो अलाउ करेंगे तो ड्रॉबैक मिलेगा। तो वहाँ परमिशन वाला सिस्टम है और मोटर कार में विदाउट एनी परमिशन 4 ईयर्स अलाउ किया हुआ, तो ये सब कंडीशंस हमने यहाँ पे देख ली, क्लियर, ये पॉइंट समझ आ गया। चलिए अब इसमें ड्रॉबैक कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसके लिए एक टेबल दे रखा है तो वो मैं आपको समझा देता हूँ कि ड्रॉबैक कैसे मिलता है। एग्जाम्पल अपने मोटर कार का ही ले लेते हैं कि आपने एक मोटर कार इम्पोर्ट की, उसको यूज़ किया, अब आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं और ड्रॉबैक मांग रहे हैं। तो कितना आपने यूज़ किया, तो ऐसा कुछ एग्जाम्पल मैं एक बार ले रहा हूँ कि सपोज़ आपने 3 ईयर्स और 6 मंथ्स एंड 15 डेज इतने दिन के लिए कार यूज़ की, मोटर कार, एंड देन उसको सेल ऑफ कर दिया और उस पर जो ड्यूटी भरी थी आप उसका रिफंड मांग रहे हैं। और ड्यूटी आपने कितनी भरी थी उसका भी कुछ अमाउंट ही अज्यूम कर लेते हैं, या पहले एक बार परसेंटेज में रखता हूँ, ठीक है। तो इम्पोर्ट ड्यूटी पेड, इट इज 100%, ठीक है, जो भी आपने पे किया होगा उसको 100% ही बोलेंगे। अब उसमें से आप कितना लेस करोगे और बाकी का कितना ड्रॉबैक मिलेगा वो हमें समझना है।
तो ड्रॉबैक जो मिलेगा वो ये वाला होगा, पर उसमें से पहले कुछ लेस करेंगे। अब जो लेस करना है उसमें ऐसा बोला कि फर्स्ट ईयर के कितने क्वार्टर्स आपने वो गाड़ी को चलाया, जैसे 3 साल तक आपने गाड़ी यूज़ की, 3 साल से भी ऊपर, तो पहला साल तो पूरा यूज़ किया ही होगा कार को आपने, तो उसमें बोला हुआ है कि फर्स्ट ईयर जो आपका है उसमें 4 क्वार्टर होंगे, पर क्वार्टर 4% आपकी ड्यूटी वसूल हो गई ऐसा मान लिया जाएगा। तो पर क्वार्टर 4% का मतलब जितनी आपने गाड़ी चला ली उतनी आपकी ड्यूटी का पैसा वसूल होता गया, तो 16% आपका फर्स्ट ईयर में वसूल हो गया ऐसा वहाँ पे रूल में बोला। सेकेंड ईयर में भी अगर आपने कार को ओन किया, उसको चलाया, तो उसके जो 4 क्वार्टर्स हैं उसमें पर क्वार्टर आपका 3% वसूल होता गया एंड जो अमाउंट हो गया दैट इज़ 12%। ठीक है, तो इतनी रिकवरी हो गई आपकी, इतना ड्रॉबैक अब जरूरत नहीं है, समझने का मतलब ये है उसका। थर्ड ईयर में जब हम आए तो बोला कि थर्ड ईयर भी तो अपन ने पूरा चलाया ही है ना, 3 साल से भी ऊपर यूज़ किया है, तो थर्ड ईयर का जो परसेंटेज है इट इज़ 2.5, ये टोटल हो जाएगा 10%। एंड फोर्थ ईयर की अगर मैं बात करूँ तो फोर्थ ईयर में आप देख लो आपने पूरा 4 साल तो यूज़ किया नहीं, फोर्थ ईयर में आपने 6 months and 15 days तक कार को यूज़ किया, तो 6 months में 2 क्वार्टर तो पूरे हो जाते हैं। अब ये जो ऊपर के 15 दिन है, दिस इज़ नॉट क्वार्टर, दिस इज़ पार्ट ऑफ अ क्वार्टर, तो इसको भी एक क्वार्टर माना जाएगा ऐसा रूल में बोला है, तो टोटल 3 क्वार्टर की ड्यूटी आपकी वसूल हो गई ऐसा मान रहे। तो फोर्थ ईयर में 3 क्वार्टर हमारे वसूल हुए और 1 क्वार्टर में 2% ड्यूटी आपकी वसूल हो गई, टोटल कितना हुआ 6%। अब ये जितने भी परसेंटेज हैं सबका टोटल होगा 16, 12, 10 and 6, कितना हो गया ये 16 और 12, 28, 38, 38 और 6, 44। तो 44% ड्यूटी तो आपने वसूल कर ली गाड़ी चला चला के, तो वो 44% मैं यहाँ से लेस कर रहा हूँ, रिमेनिंग जो अमाउंट है दैट इज़ 56%, इतना ड्रॉबैक आप क्लेम कर सकते हो। इस तरीके से ये रूल इन्होंने बनाया हुआ है, क्लियर हुआ, समझ आया? तो जितना ड्यूरेशन आपका यूजेज का होगा उसके बेसिस पे इस तरीके से कैलकुलेशन होगा। आप और कोई ड्यूरेशन लेके भी ट्राई कर सकते हो, कोई एग्जांपल लेना हो, सपोज 2 years, 10 months and 25 days, आप ये गिन के देखना कितना हो रहा है। पहले 2 साल तो पूरे हो गए तो उसमें तो वही आएगा 16 और 12, थर्ड ईयर में है 10 months and 25 days, अब 10 months का मतलब कितने क्वार्टर हो गए, 3 क्वार्टर तो पूरे हो गए 9 months में, और ऊपर 1 month and 25 days इज़ 1 क्वार्टर मोर, मतलब पूरे 4 क्वार्टर ही काउंट होने वाले हैं, तो थर्ड ईयर भी पूरा काउंट हो जाएगा, इन शॉर्ट ये 10% भी आ जाएगा, तो 16 and 12, 28 and 10, 38, तो उस सिचुएशन में 38% ड्यूटी वसूल, बाकी की जो है जस्ट 62%, तो 62% जो है वो ड्रॉबैक आपको मिल जाएगा। डन, यहाँ तक समझ आ गया? तो ये सिचुएशन है जिस तरीके से मोटर कार या अदर गुड्स अगर प्राइवेटली यूज़ होते हैं तो उसमें ड्रॉबैक आप कैलकुलेट करेंगे। तो ये एक बार अच्छे से टेबल देख लो, जो एग्जांपल मैंने बताया वो देख लो, नीचे जो मैंने आपको एक कंडीशन बोली 2+2 वाली वो यहाँ पे लिखी है, ये भी रिलेट हो जाएगी। कुछ पर्टिकुलर गुड्स ऐसे हैं जिनके लिए नोटिफिकेशन इशू किया हुआ है कि अगर ये गुड्स आफ्टर यूज़ एक्सपोर्ट होते हैं तो कोई ड्रॉबैक नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना, मतलब आफ्टर यूज़, अगर ब्रांड न्यू है तो ड्रॉबैक मिलेगा, आफ्टर यूज़ है तो ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। वेयरिंग अपेरल, कपड़े, ठीक है, टी चेस्ट, चेस्ट का मतलब एक स्टोरेज के लिए जो कंटेनर जैसा यूज़ होता है वो, एक्सपोज्ड सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स, मूवी की जो रील होती है, जैसे कोई हॉलीवुड की मूवी इंडिया में रिलीज़ हो रही है तो उसकी जो रील होती है वो इंडिया में इम्पोर्ट होगी, थिएटर में दिखाई जाएगी, जब मूवी थिएटर से उतर जाएगी वापस निकल जाएगी तो वो रील वापस से आउट ऑफ कंट्री उसके ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास एक्सपोर्ट हो जाएगी, उसमें कोई ड्रॉबैक नहीं मिलेगा, ये बेसिक कंडीशन बताना चाह रहे हैं। और एक्सरे फिल्म्स और उसकी जो प्लेट्स और फोटोजेनिक पेपर्स एंड ऑल होते हैं उसमें भी सेम कंडीशन रखी। हाई सी वाले केस में ऐसा बोला है कि आपकी शिप अगर एक बार इंडियन वाटर टेरिटरी को क्रॉस करके हाई सी में चली गई, एक्सपोर्ट हो गया, फिर वो शिप डूब जाए या किनारे पे पहुंचे, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ड्रॉबैक मिलेगा इंपोर्टर को या एक्सपोर्टर को, तो ड्रॉबैक के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं। डन यहाँ तक? चलिए, तो ये पॉइंट कंप्लीट। नीचे जीएसटी वाले पॉइंट्स हैं इसमें, वो अभी काम के नहीं है, और कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं वो आप सॉल्व करके रख सकते हैं। सेक्शन 75 की और कुछ थियरीज हैं लेकिन वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करूँगा, एक सेशन और चाहिए, तो अभी हम आज के लिए सेशन में इतना ही रख रहे हैं, यहाँ पे एक बार स्टॉप करते हैं। आप इतना कंटेंट कंप्लीट कर लो, 74 पढ़ लो, उसके रूल्स पढ़ लो, 75 में आप सबसेक्शन 1 पढ़ के रख सकते हो, मैंने बता दिया है। सबसेक्शन 2 से जो स्टोरी है वो फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूँगा, ठीक है? चलिए, तो आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। सो बाय बाय एवरीवन,
नेक्स्ट टाइम मिलते हैं अगले लेक्चर में बाकी पॉइंट्स के साथ. बाय बाय.